हेलो दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अंबेडकर हॉल। चलिए मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है, और यहाँ से पास में ही लॉ फैकल्टी भी है, वहाँ भी ले चलूँगा मैं आपको। तो ये है डॉक्टर B.R. अंबेडकर हॉल, ये है इसका एंट्रेंस गेट जो आप देख रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम अंदर क्या। ये है आपका अंदर का थोड़ा व्यू, क्या आप देख रहे हैं हॉस्टल की बिल्डिंग है, इधर एक पीछे बिल्डिंग बन रही है, ये है यहाँ का प्रोवोस्ट ऑफिस। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर तो कैसा है। ये है यहाँ की नोटिस बोर्ड जो लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं तारिक मंसूर का बोर्ड, ये आपको कहीं ना दिखे अभी फिलहाल अलीगढ़ में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अंदर आते ही आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये है गैलरी बनी, ये दूसरी की गैलरी, ये हॉस्टल की बिल्डिंग है जो आपकी दिख रही है चारों तरफ से। अभी मुझे जाना है टॉप फ्लोर पे, जिससे मैं यहाँ मिलने आया हूँ उसके वो रहता है टॉप फ्लोर पे। चलिए मैं यहाँ की आपको रूम में भी दिखाता हूँ ऐसा रूम में होता कैसा यहाँ। चलिए अभी ऊपर चल के मिलता हूँ। टॉप फ्लोर से कुछ हॉस्टल का व्यू ऐसा देख रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं, तो अंदर चलते हैं आपको रूम दिखाते हैं इसका कैसा रूम है यहाँ पे जिससे मिलने आया हूँ। ये है उसका रूम, तो ये है रूम का व्यू जो आप देख रहे हैं। कूलर वूलर सब लाता है अपने, सब खाते हैं बच्चे अपने। तो ये है यहाँ पे एक ऐसा बेड रहता है टेबल, जैसे और हॉस्टल में है वैसा ही है, कुछ यहाँ पे कुछ है नहीं है। ये कवर्ड्स, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप यही जाता है लॉ फैकल्टी की तरफ, हॉस्टल से निकलते पास में ही है लॉ फैकल्टी। चलिए आपको ले चलते हैं लॉ फैकल्टी AMU। तो ये है AMU की लॉ फैकल्टी जो अभी आप देख रहे हैं। चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ एंड गेट अंदर से भी दिखाता हूँ कैसा है नहीं है। तो आज इस लॉ फैकल्टी में मेरे साथ प्रशांत भाई भी आए हैं, ये जो यहाँ से भी अभी पास आउट हुए हैं पिछले साल लॉ फैकल्टी। चलिए आपको मैं अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर क्या क्या चीज़ है। वेलकम टू लॉ फैकल्टी, ये जो अभी पिछले अभी कुछ टाइम पहले नैक की जो टीम आई थी उसी के लिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। से अपनी लॉ फैकल्टी कुछ ऐसी नज़र आती है जो आप देख रहे हैं, सामने मूट कोर्ट है एंड ये आप इधर देख रहे हैं सीढ़ियाँ ऊपर जाने, ऊपर में टीचरों के जो चैम्बर हैं वो ऊपर में ही है, क्लासेस नीचे होती है। क्लासेस रूम तो बंद है अभी, मैं बाहर से ही दिखा देता हूँ आपको सब। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं अभी फिलहाल ही बनी है ये बिल्डिंग, पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ नीचे ही था, ऊपर LLM और PhD वालों का ऊपर में ही क्लासेस होती है। एंड मैं दिखाता हूँ आपको सेमिनार खुली हुई है तो अंदर से भी दिखाऊंगा। ये है यहाँ की नोटिस बोर्ड जो अभी देख रहे हैं, और ये है सेमिनार, सेमिनार तो अभी लॉक है, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम मैं आपको अंदर से भी दिखा दूंगा। ये है थोड़ा बहुत जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो आप लॉ फैकल्टी देख रहे हैं AMU की, ये 1891 में स्टार्ट हुआ था। एंड ये जो अभी आप सेमिनार जो मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ये जितनी भी इंडिया में लॉ स्कूल है या कॉलेजेस हैं उसमें आपको सबसे बड़ी सेमिनार या लाइब्रेरी जो भी आप कहें उसमें सबसे बड़ी है। यहाँ पे बहुत सारी बुकें आपको अवेलेबल हो जाएगी, पुरानी से पुरानी लॉ की किताबें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। ऐसा कुछ नज़र आता है ऊपर से आपका ये व्यू है जो दिख रहा है अभी। ये जो आप देख रहे हैं ये है टीचर्स चैम्बर, हर टीचर का यहाँ पे अपना एक चैम्बर होता है। एंड ये जो अभी लॉ फैकल्टी में जो रेनोवेशन हुआ है ना, इसमें मरहूम समधानी साहब का बहुत बड़ा योगदान है,
उन्हीं के टाइम पे सारी चीज़ें स्टार्ट हुआ था। उन्होंने इस लॉ फैकल्टी में एक अहम योगदान दिया है। जब वो डीन थे इस फैकल्टी के, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें करवाया। पिछले साल जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी उसमें उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। नई बिल्डिंगें बनने के बाद लॉ फैकल्टी एकदम चमक सी गई है, आप देख सकते हैं बिल्डिंगें बनने के बाद। एंड हमारे साथ जो भी प्रशांत भाई आए हैं वो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने जो यहाँ से पढ़ा है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उन 5 साल में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है, मैं मुफ्ता साहब का दोस्त हूँ। मैं चूंकि यहाँ से पास आउट हो चुका हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से LLM कर रहा हूँ, कुछ यादों को तरोताजा करने के लिए हम लोग आज इस फैकल्टी आए, तो सोचा एक आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जाए। फैकल्टी के बारे में पहले मैंने काफ़ी सुना था और बहुत नामी फैकल्टी होने के कारण मेरा इंटरेस्ट यहाँ से लॉ करने का हुआ। मैंने बाकी जगह भी एग्ज़ाम दिए हुए थे लेकिन चूंकि इस फैकल्टी के ओहदे को देखकर मुझे लगा कि अपने लॉ को यहीं से कंटिन्यू किया जाए, लॉ की स्टडीज़ को। आने वाले वक्त में भी बहुत से बच्चे यहाँ आएंगे और अपनी लॉ की एजुकेशन पाएंगे और आगे चलकर लीगल वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करेंगे, इस फैकल्टी का नाम रोशन करेंगे। बहुत से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो ये सपना सोचकर आते हैं कि कोई जज बने, कोई मैजिस्ट्रेट बने, कोई एक लीगल लिमिनरी के तौर पर भर कर आए। और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे भी हैं। इतने लोग हैं कि इस मौके पर उनका नाम नहीं लिया जा सकता। और जहाँ तक बात है यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की, तो बहुत ही कम फीस में अगर ये कंपैरिजन किया जाए तो NLU की फीस अगर आप देखें तो साल भर में लाखों रुपए से ज़्यादा, और यहाँ एक साल में आपको केवल और केवल 10 से 12 हज़ार रुपये फीस देकर उसी सब्जेक्ट्स को, उन्हीं लॉ का जो करिकुलम है वही पढ़ाया जाता है। उसी शिद्दत के साथ आपको वो सारी जो स्किल्स एक लॉयर के लिए चाहिए, एक मैजिस्ट्रेट बनने के लिए चाहिए, वो यहाँ दी जाती है। ये थी प्रशांत भाई की कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपने पूरे कोर्स में देखा सुना, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया आपको। यहाँ का क्या क्या फीस है और ऐसा पढ़ाई का क्या स्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों से देख रहे हैं। ये लीगल एड क्लिनिक फैकल्टी का, तो लीगल एड क्लिनिक जो आप भी देख रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली होता ही है कि कोई भी लोग जो अपनी ज़िंदगी में जो लॉ से रिलेटेड मसले मसाइलात होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी सलाह मशवरा चाहता है, वो यहाँ पे एक कैंप लगता है जो यहाँ के प्रोफेसर बैठते हैं, जो बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर जो यहाँ बैठते हैं, एंड जो बाहर से वकील भी आते हैं जो वही देते हैं, सारे लोगों को बताते हैं कि कौन सा कानून कहाँ पे हो सकता है, एक अच्छा राय देते हैं उसके केस के लिए। फैकल्टी से बाहर आती है, कुछ ऐसा नज़ारा है आपको जो देख रहे हैं, जो बाहर का ये देख रहे हैं। ये डॉगी पता नहीं क्यों ज़्यादा ही भौं भौं कर रहा है। ये जो 25 कैब देख रहे हैं, ये कैबिनेट का है, यूनियन का जो इलेक्शन होता है उसी का है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसपे मैंने आपको दिखाया लॉ फैकल्टी AMU का, और अम्बेडकर हॉल का भी मैंने आपको इसमें दिखा दिया कैसा हॉल है, क्या है, एंड लॉ फैकल्टी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया, एंड पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।